वेलकम फ्रेंड्स, देखिए डीआर के नॉलेज के सोशल स्कीम सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस सोशल स्कीम चैनल पर हम हर रोज आपको एक सरकारी योजना से संबंधित वीडियो के माध्यम से उस योजना से संबंधित ए टू जेड जानकारी अर्थात उस योजना से का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, योजना क्या है और योजना से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इस तरह से संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हम बनाते हैं वो एजुकेशन के पर्पस से, साथ ही साथ आपके जो है नॉलेज के पर्पस से, दोनों के व्याप से ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। फ्रेंड्स, आप दोनों के व्याप से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये सेशन का आप आनंद उठाइए फ्रेंड्स, क्योंकि जो यह योजनाएं आपको एक जागरूकता के तौर पर भी बताई जा रही है। आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज की जो योजना है हमारी सरकारी योजना, वो है राजस्थान गवर्नमेंट से संबंधित सरकारी योजना, जिसका नाम है कालीबाई व्हील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। जो कालीबाई व्हील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, आज की जो जानकारी है वो है क्या, जो कालीबाई व्हील योजना है, जो यह योजना क्या है, तो यह योजना क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो सरकार की एक इस जो सरकार की इस कालीबाई व्हील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत सभी छात्राओं जिन्होंने 12वीं में 65% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया हो, उन्हें मुफ्त में स्कूटी वितरण की जाएगी। यह मुफ्त स्कूटी योजना है वह राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के छात्राओं के लिए जो है चलाई जा रही है। राज्य सरकार जो है राजस्थान कालीबाई स्कूटी योजना 2022-23 के माध्यम से प्रतिवर्ष जो है 10,000 से ज़्यादा छात्राओं को जो है लाभान्वित करती है इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया छात्राओं की मेरिट के आधार पर की जाती है और जो है इस मुफ्त स्कूटी योजना वितरण योजना के तहत जो है आर्थिक रूप से, फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूटी के स्थान पर जो है 40,000 रुपये नकद राशि देने का भी प्रावधान किया गया है इस योजना के अंतर्गत। अर्थात जो फ्रेंड्स इस योजना के अंतर्गत स्कूटी नहीं लेना चाहता है और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वह जो है स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपये की नकद राशि भी ले सकता है। राजस्थान मुफ्त स्कूटी योजना वितरण योजना के अंतर्गत जो है सरकार के द्वारा विज्ञान, कला, वाणिज्य विषय में अलग अलग प्रतिशत के आधार पर स्कूटी की संख्या का निश्चित किया गया है। अर्थात सभी जो है आपके सब्जेक्ट से, अर्थात कला वर्ग से या वाणिज्य वर्ग या जो विज्ञान वर्ग है, उनमें सब में अलग अलग परसेंटेज के आधार पर स्कूटी का निर्धारण किया जाएगा। वही इस साइंस वर्ग में वही 5,000 स्कूटी वितरण की जाएगी या फिर वाणिज्य वर्ग में 2,000 स्कूटी वितरण की जाएगी, इस प्रकार से परसेंटेज को निर्धारण भी किया गया है। कालीबाई व्हील जो है मेधावी छात्र स्कूटी योजना 22-23 के अंतर्गत निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राएं आवेदन कर सकती है, जिसके लिए कक्षा 12 में अच्छे अंक से वह उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो ये है फ्रेंड्स स्कूटी योजना, मतलब क्या है स्कूटी योजना में हमने आपको बताया कि है ये कालीबाई स्कूटी जो व्हील मेधावी छात्र स्कूटी योजना है, इसमें 12वीं कक्षा में अगर किसी ने 65% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उसने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, तो उनको जो है यह स्कूटी वितरण के अंतर्गत शामिल योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर कोई किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो वह जो है स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपये की नगद राशि सरकार से ले सकता है। आगे देखिए, कालीबाई स्कूटी योजना के लिए पात्रता क्या है। तो देखिए, कालीबाई स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले उम्मीदवार को नीचे निम्नलिखित जो पात्रता दे रखी है उनको हमेशा खुद के अंदर जाँच कर लेनी चाहिए कि क्या वह इस पात्रता के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए वह जो है लाभार्थी जो है SC ST OBC या आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी से संबंधित छात्राओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, जो कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अर्थात वह ST SC OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में अगर आता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है, लेकिन साथ ही साथ वह राजस्थान का मूल निवासी भी होना चाहिए। आवेदक के माता पिता या पति की जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। कोई भी विधवा, विवाहित, अविवाहित छात्राएं योजना का लाभ उठा सकती है। चल रही शिक्षा के बीच कोई भी गैप होना
पर जो है वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। इस योजना की यह पात्रता है जो है स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद कॉलेज विश्वविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करना आवश्यक है। अगर वह अध्ययन नहीं करता है कॉलेज या विश्वविद्यालय में तो उसे इस योजना से वंचित रखा जाएगा। छात्रा के माता पिता की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए माता पिता। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान बोर्ड में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को कम से कम 65% अंक या CBSE बोर्ड में शिक्षा प्राप्त कर रही है तो उसे 75% अंक का लाना अनिवार्य है, तभी वह इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कालीबाई जो भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, उस योजना का लाभ लेने के लिए जो आपके पास कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, तो देखिए आवेदक यह ध्यान रखते हुए पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले कि वह उस उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो पहले उन दस्तावेजों की जो है पूरे करवा लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, लाभार्थी के पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, शपथ पत्र जिसमें लाभार्थी किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहा हो इस प्रकार से वह शपथ पत्र को तैयार करवाएगा। आवेदक के पास पिछली परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए अर्थात मार्कशीट होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता का पासबुक होना चाहिए और जन आधार कार्ड होना चाहिए जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर उसके पास अर्थात मोबाइल नंबर होना चाहिए, चाहे कैसा भी मोबाइल हो, स्मार्टफोन या कीपैड मोबाइल पर एक नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान की जो है रसीद भी होनी चाहिए अर्थात विश्वविद्यालय में उसने जो है प्रवेश ले लिया इस प्रकार की एक रसीद भी होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, कालीबाई स्कूटी योजना के लाभ की बात कर लेते हैं। कालीबाई स्कूटी योजना का लाभ की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत फ्री में स्कूटी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है जो कि छात्रा 12वीं कक्षा में अच्छे अंक से प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होता है, उसे कॉलेज में प्रवेश भी लेना आवश्यक होगा। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा रिजल्ट के जरिए जो है 10,000 छात्राओं को लाभ प्रदान किया जाता है और सरकार की इस कालीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत जो है 2023 के माध्यम से छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन करती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को आगे से पढ़ाई के लिए स्कूटी योजना के स्थान पर जो है 40,000 रुपये की नगद राशि भी सरकार उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर योजना के तहत स्कूटी के साथ साथ शादी तक अर्थात जो स्कूटी जिस छात्रा को मिल चुकी है उसके बाद उस योजना के तहत जो है शादी तक उस स्कूटी का परिवहन व्यय जो है सरकारी उठाती है। साथ ही साथ एक साल के लिए सामान्य बीमा भी मिलता है इस स्कूटी का और 5 वर्ष के लिए तृतीय पक्षकार का बीमा और 2 लीटर पेट्रोल और 1 हेलमेट भी प्रदान किया जाता है इस स्कूटी योजना के अंतर्गत। जिस छात्रा को स्कूटी दी जाती है उसको राज्य सरकार द्वारा जो है प्रतिवर्ष मुफ्त स्कूटी वितरण योजना के तहत जो है 10,000 स्कूटी जो है छात्रा को 10,000 छात्राओं को इस स्कूटी योजना का लाभ मिलता है। तो ये थी स्कूटी योजना प्रेस जो कि कालीबाई स्कूटी व्हील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से जो है योजना प्रचलित है जो कि राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप जो है इस योजना का लाभ सिर्फ छात्राओं को ही दिया जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको कुछ जानने को मिला है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिली है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।